मैं तपन ककानी आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल गुज्जू ऐसे पर। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी संक्रांति। मैं US में जब स्नो होता है तो कैसा दिखता है वो आपको दिखाने के लिए मैं ये आज ब्लॉग लेके आया हूँ। आप देख सकते हो मेरे पीछे जो विंडो है वहाँ से आपको मैं दिखाऊंगा कि स्नो कैसे दिख रहा है अभी। आप पीछे का माहौल देख सकते हो, पूरा जो पानी वो जम गया है। और मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो दिख रहा है चारों तरफ स्नो गिरी हुई है चारों तरफ। काफी विंड भी है, विंड कम से कम 30 किलोमीटर की विंड है। वो जो हवा के जो झोंके आते हैं उसकी स्पीड कम से कम 45 किलोमीटर है। आप सोच सकते हो कि कितना खतरनाक ठंडा लग रहा होगा, 2 मिनट में मेरा हाथ जमने लग जा रहा है। बट यही चीज़ जब आपके फ्रंट साइड में होता है तो आपको ड्राइवे वॉक पे सब क्लीन करना पड़ता है। तो अभी हम चलेंगे और थोड़ा क्लीन करके करते हैं पूरा, देखते हैं। स्नो लगता है एकदम लाइट है बट बहुत हैवी होता है, उसको उठा के फेंकने में दम निकल जाता है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ स्नो क्लीनिंग। आप देखो कितना स्नो गिरा हुआ था, अभी यहाँ से क्लीन किया गया है। ये देखो मेरे नेबर्स क्लीन कर रहे हैं। स्नो गिरा हुआ है आपके घर के सामने जो गिरता है स्नो, वो आपको क्लीन करना है। जो रोड को ऊपर का स्नो है, अगर आप सोसाइटी में रहते हैं तो काफी जगह मोस्टली सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है रोड पर के स्नो क्लीन करने की। और जो मेन रोड से जहाँ पे गवर्नमेंट के रोड है, मतलब बाहर हाईवे है, नॉर्मल रोड है जो सोसाइटी के नहीं है, वहाँ पे गवर्नमेंट क्लीन करती है, पर्टिकुलर काउंटी होता है वो क्लीन करती है। जब स्नो गिरता है तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बाहर जब चलने जाते हैं तो स्लिप ना हो जाए, कहीं गिर ना जाए, उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और जब आप रोड पे हो तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है किस तरह का स्नो गिरा। अगर स्लीट है तो वो क्या होता है कि रोड पे जैसे आइस की लेयर बन जाती है, उसकी वजह से गाड़ियां बहुत स्लिप होती है। उस केस में काफ़ी वार्निंग दी जाती है पहले ही कि आप मत निकला करो, तो काफ़ी लोग मतलब 100 में से एक आध बहुत मुश्किल होगा तो निकलेगा, नहीं तो कोई निकलेगा नहीं। बट जब नॉर्मल स्नो होता है तो गवर्नमेंट रोड क्लीन करती है। और उसके साथ साथ क्या होता है कि कार का वेट की वजह से स्नो है वो दबता है, पर फिर भी बहुत स्लिपरी होता है। जब आप निकलते हैं तो डिस्टेंस लेके चलना पड़ता है आगे वाली कार से, और ब्रेक लगाने के टाइम बहुत ध्यान रखना पड़ता है, एकदम हार्ड ब्रेक मारते तो गाड़ी और स्लिप हो जाती है। तो ये सब चीज़ें बहुत ध्यान रखनी पड़ती है जब स्नो गिरता है। आप देखो मैं अभी स्नो पे ही चल रहा हूँ। एक चीज़ है कि जब आप चलो आपके पास स्नो शूज़ होना ज़रूरी है। अगर स्नो शू है तो आप स्लिप नहीं करते, आपके पैर इतने ठंडे नहीं होते। अगर आपने नॉर्मल किया हुआ है, शूज़ पहना हुआ है, तो स्लिप होने के बहुत बड़े चांसेस हैं। ठीक है, अभी आप देखो मैं इसको क्लीन करता हूँ। ठीक है, अच्छा तो अभी मैं भी थोड़ा स्नो क्लीन करूँगा, तो आप देखेंगे कि स्नो कैसे क्लीन किया जाता है। उसको उठा के फेंकने में शुरू शुरू में तो प्रॉब्लम नहीं होता, बाद में बहुत दर्द होता है बॉडी को भी, क्योंकि हम यूज तो नहीं होते इतना स्नो क्लीन करने के लिए। तो ये भी मेरा पहली बार है। ठीक है, तो आप देखो मैं कैसे स्नो क्लीन करता हूँ। गैस का भी स्नो ब्लोअर आता है, इलेक्ट्रिक स्नो ब्लोअर आता है, बट ये मेरा पहली बार है तो मैंने सोचा इससे ही पहले क्लीन कर लिया जाए। अगर इससे नहीं होगा तो अगले साल देखेंगे कि ज्यादा अगर स्नो गिर रहा है तो किससे क्लीन करना है। जब ये जो है ये नॉर्मल ट्रेल है, ये मतलब यहाँ से लोग यहाँ से वहां जाते हैं, तो आपके घर की आपकी जवाबदारी है कि आप ये क्लीन करें।
अगर कुछ होता है तो आपको लोग शो भी कर सकते हैं। अब देख सकते हो ये कितना है। समझ में आ रहा होगा मेरी सांसें फूल रही है, इतना इसको उठा के फेंकना आसान नहीं है। देख सकते हो काफी हैवी हो रहा है, तो आपको दिखाता हूँ कि कितना स्नो है इधर। देखो कितना स्नो है, देख सकते हैं। मेरी नाकें लाल हो गई, देखो रेड होने लग गया मेरा नाक। देख सकते हो फिर से भी क्लीन करके। अभी ये जो पाथ है सामने वाला, ये वाला यहां से जाने का, ये भी क्लीन करना है मुझे। और इस तरफ का भी पार्ट देखो कितना जमा हुआ है, कितना है देखो, आप देख सकते हो। देखो कितना है, 6 इंच है एटलीस्ट, 6 इंच। ठीक है, अगर आप स्नो देखोगे ऐसे तो ये छू रहा होता है, बट जब एक साथ उठाते तो उसका वेट होता है, क्योंकि जब पिघलता है तो पानी ही बनता है, तो पानी का भी तो वेट होता ही है, तो स्नो का भी तो वेट रहेगा। क्लीन करते करते पूरा बैक पेन होने लग जाता है, दुखने लग जाता है। इजी नहीं है क्लीन करना इसे, इसीलिए लोग स्नो ब्लोवर लेते हैं, बट इस साल मैं मैनेज कर रहा हूँ, अगले शायद मैं स्नो ब्लोवर ले लूँगा। अभी क्लीन कर लिया है मैंने, और स्नो क्लीन कर लिया है, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे दिखता है। ये देखो ऐसे क्लीन होना चाहिए, ताकि आपको जब कार निकालनी हो तो आसानी से आप कार निकाल पाओ। और दूसरा ये है कि जब यहाँ से जो चलने का रास्ता है, ठीक है, वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लीन करने का। तो देखो मैंने ये करके रखा है, और इस तरफ भी है, देखो है ना। स्नो में दिखता बहुत अच्छा है, बट स्नो क्लीन करने में भी वाट लग जाती है, बहुत तकलीफ होती है, बट हाँ अगर स्नो ब्लोअर है तो वो आसान हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि सराउंडिंग कैसी दिखती है सोसाइटी। देखो सोसाइटी कैसी दिख रही है। ये वीडियो कैसा लगा उसके लिए आप कमेंट जरूर करें, और ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहे मेरे YouTube चैनल पे। कृपया सब्सक्राइब करना ना भूले, प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो। वीडियो ने लाइक करो और चैनल ने सब्सक्राइब करो।